अच्छा है कि इस देश के अंदर जो पिछले 10 साल के अंदर भ्रष्टाचार पनपा, इस 10 साल के अंदर जो महंगाई बढ़ी है, इस 10 साल के अंदर जो आतंकवाद बढ़ा है, इस 10 साल के अंदर जो बेरोजगारी बढ़ी है, वो खत्म होनी चाहिए और इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होना चाहिए। तो जोरदार एक बार तालियां बजा दीजिए आप। ये आपका उत्साह है, ये आपकी चाहत है, जो बार बार आप श्री नरेंद्र मोदी को इसलिए सुनना चाहते हैं कि आप चाहते हैं कैसे होगा सपनों का भारत नरेंद्र मोदी के। नरेंद्र मोदी किसी इंसान का नाम नहीं है, नरेंद्र मोदी एक कर्मस्थली का नाम है। अभी आपने देखा होगा, आज ही कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया, मैनिफेस्टो जारी किया। मैं पूछना चाहता हूं, इसी कांग्रेस ने 2004 और 2009 के अंदर भी घोषणा पत्र जारी किए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो 1.5 करोड़ रोजगार को उपलब्ध कराएंगे, नौजवानों को रोजगार देंगे। मैं पूछता हूं, कांग्रेस ने 1.5 करोड़ रोजगार दिए या नहीं दिए? जोर से बताइए, दिए या नहीं दिए? कांग्रेस ने कहा था 100 दिन के अंदर महंगाई कम कर देंगे, करनी या नहीं करी? कांग्रेस ने कहा था कि वो बिजली पानी के दामों को कम करेंगे। आज कांग्रेस वैसा का वैसा घोषणा पत्र दोबारा लेकर आ गई। जैसे आपने देखा होगा, पार्लियामेंट के अंदर एक्शन टेकन रिपोर्ट होती है, इसलिए हर पार्टी को अपना मैनिफेस्टो जारी करते वक्त अगर वो पिछली बार सरकार में थी तो ये एक्शन टेकन रिपोर्ट बतानी चाहिए कि जो उसने मैनिफेस्टो पिछली बार किया था उसमें से कितने वायदे पूरे किए थे। आप देखेंगे कांग्रेस ने पिछले 10 साल के अंदर जो वायदे पूरे किए उनमें से एक वायदा पूरा नहीं किया। और दोस्तों, दिल्ली के अंदर मैं ये बताना चाहता हूं आपको, दिल्ली के अंदर जिस तरह की फिजा बह रही है, आज दिल्ली के अंदर ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट है, कोई कांग्रेस के मुकाबला नहीं है। आज आम आदमी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के में मुकाबला है। कांग्रेस को आपने 10 साल में देखा था और आम आदमी पार्टी को आपने 50 दिन के अंदर देखा, और इस 49 दिन के अंदर आपको पता चल गया कि केजरीवाल से ज्यादा भ्रष्ट आदमी, झूठा आदमी, झूठे वायदे करने वाला और कोई नहीं है यहां पर।